वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 2.2 के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओनली टू एग्जांपल्स आर लेफ्ट, एग्जांपल नंबर 10 एंड 11, एंड दिस इज एग्जांपल नंबर 10। आप अपनी बुक से भी स्टेटमेंट टैली कर सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। ये होल नंबर्स है बेटा आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो हमें नहीं पता कि किन दो होल नंबर्स की यहाँ बात चल रही है, बट द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। क्लियर। द रेशियो ऑफ दोज टू नंबर्स इज 2:5। वट आर द टू नंबर्स, वो दो नंबर्स क्या हैं जिनका रेशियो 2:5 है। यहाँ रेशियो का कॉन्सेप्ट मैं एक बार आपको समझाना चाहूंगी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। कोई दो नंबर्स हैं, अगर उनका रेशियो 2:5 है, इसका मतलब है कि उनका जो डिवीजन की मिनिमम फॉर्म है वो 2/5 है। ठीक है, तो यहाँ अब आपने एक बात ध्यान देने कि ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं। आप ये देखिए, ये जो 2/5 है, अगर मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे भी, तो ये बन गया 4/10। 2 × 4 = 2, 5 × 10 ये हो सकता है 20/50। मैं यहाँ 3 से लाइक फ्रैक्शन बना रही हूँ, मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 6, नीचे कर दूँ 15, ऊपर 5 से कर दूँ नीचे 5 से कर दूँ, ऊपर 100 से कर दूँ नीचे भी 100 से कर दूँ। अब आप ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स मैंने यहाँ राइट किए हैं। 4/10 को मिनिमम फॉर्म में करूँ, 2 × 4 = 2, 5 × 10 2/5, 3 × 6 3, 5 × 15 5 × 10 5, 5 × 15 100 से डिवाइड करा 2/5। इन सब नंबर्स की रेशियो 2/5 आ रही है। ध्यान से देख, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मींस, और ये तो मैंने केवल 5 एग्जांपल लिए हैं, ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं हुज रेशियो इज 2/5। क्लियर। तो हमें अपना नंबर कैसे पता लगे? तो यहाँ अब आपने एक बात स्पेशल देख लेनी है कि जब भी आपको कोई रेशियो का क्वेश्चन मिलता है, तो उस क्वेश्चन में आपने जब भी नंबर सपोज करने हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो नंबर 4 और 10 भी हो सकते हैं, ठीक है, वो नंबर 20 और 50 भी हो सकते थे। 4 का मतलब हो गया 2, 2 × 4 और भाई 5 × 10 ध्यान देना, 2 और 5 चल रहा है ना, और 2 × 10 और 5 × 10 भाई दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को 10 से कर दो, दोनों को 3 से कर दो, दोनों को 5 से कर दो, दोनों को 100 से, दोनों को 7 से, दोनों को 9 से, एंड सो ऑन। मींस क्या मतलब है कि जब भी किन्हीं दो नंबर्स की रेशियो गिवन है, तो वो दोनों नंबर्स रिस्पेक्टिवली 2 के और 5 के मल्टीपल्स होंगे। तो जो हमारा एक नंबर होगा वो 2x की फॉर्म में होगा, और जो सेकेंड नंबर है वो हमारा 5x की फॉर्म में होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम 2x को 5x से डिवाइड करेंगे, तो x जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा, और जो रेशियो है वो 2/5 या 2:5 आ जाएगी। क्लियर है? तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको रेशियो का क्वेश्चन दिया जाता है, तो हम उन नंबर्स को या जिस भी चीज़ की रेशियो आपको गिवन है, उनको आपने x लगाकर साथ में यूज़ करना है। x इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शन से आ जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि इनका जो ये प्रोपोर्शन है, जो रेशियो गिवन है, ये कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, एक्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो वो रेशियो को हम कांस्टेंट में बदल कर फिर आगे डील करते हैं। तो ये था ओनली फॉर डिस्कशन। अब मैं यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है भाई। तो अब जरा ध्यान से देखें कि लेट हमें दो नंबर्स का रेशियो 2:5 और उनका डिफरेंस 56 है। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स, रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स कितनी है 2:5। तो लेट फर्स्ट नंबर या वन नंबर इज 2x एंड द सेकेंड नंबर इज 5x। ये सारा बताने में मुझे इतना टाइम लगा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो हमने डायरेक्ट अपना क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। अब ये हमारे दो होल नंबर्स हो गए हैं जिनका डिफरेंस 66 है। तो डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स कितना है 66 है,
एक नंबर 5x है, दूसरा 2x है, तो 5x माइनस 2x कितना हो गया 66। ये माइनस ना करना आए, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, इनको कोई ऑब्जेक्ट मान लो, 5 पेंस माइनस 2 पेंस, 5 पेन थे, 2 माइनस हो गए, कितना बचा 3 पेंस, तो 5x में से 2x माइनस करोगे 3x। वेरिएबल्स केवल लाइक वेरिएबल ही माइनस होते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 66 आ गया। 3 को आप राइट साइड में ले जाओ तो डिवीजन में चला जाएगा 66/3, 66 को 3 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाती है 22। हमारा टारगेट x की वैल्यू फाइंड करना नहीं है, हमारा टारगेट उन दो होल नंबर्स को फाइंड करना है जिनका डिफरेंस 66 है, और वो दो होल नंबर्स ये है 2x, यानी कि 2 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला नंबर मिलेगा। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट होल नंबर इज 2x, यानी कि 2 इंटू 22, 2x का मतलब 2 को 22 से मल्टीप्लाई करना है तो 44 आ गया, और सेकंड होल नंबर है भाई आपका 5x, यानी कि 5 इंटू 22, तो वो आपका 110 आ गया। आप 110 में से 44 माइनस करके देखना, इट विल बी 66। इज्ड है और रेशियो भी है इसमें, ठीक है। देवांशी, देवांशी इज अ गर्ल, हैज अ टोटल ऑफ रुपीज 590। देवांशी के पास टोटल 590 रुपीज हैं, ध्यान देना, एज करेंसी नोट्स, करेंसी मीन्स जो कागज के नोट होते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाइन, क्वाइन नहीं है उसके पास, पेपर के जो नोट होते हैं, कागज के जो नोट होते हैं वो हैं। इन डिनोमिनेशंस, डिनोमिनेशंस मैंने आपको बता दिया था, आपकी इसकी हिंदी अगर आप लेते हो तो ये मूल्य सूचक होता है कि भाई अलग अलग वैल्यू के कितने नोट्स हैं, तो उसके पास जो जो नोट्स हैं उनके डिनोमिनेशन है ₹50, ₹20 एंड ₹10। उसके पास 50 रुपये के नोट हैं, 20 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट हैं, और टोटल अमाउंट 590 है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, ध्यान देना, ₹50 नोट्स एंड ₹20 नोट्स इज 3:5। इफ़ शी हैज़ ए टोटल ऑफ 25 नोट्स, तीनों तरह के 25 नोट हैं, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज़। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए स्टेटमेंट को एक बार फिर पढ़ते हैं। आपको दो बार में भी समझना है तो आप 4 बार पढ़ें, 5 टाइम्स पढ़ें, 6 टाइम्स पढ़ें, बट स्टेटमेंट पर आपने पूरा फोकस करना है। देवांशी हैज ए टोटल ऑफ रुपीज 590 एज करेंसी नोट्स इन डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 50, 20 एंड 10। भाई देवांशी के पास 50 रुपये के नोट है, 20 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट है और 590 रुपये हैं। अब हमें ये नहीं पता कि 50 रुपये के कितने नोट हैं, 20 रुपये के कितने नोट हैं और 10 रुपये के कितने नोट हैं। समझ आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 20, 50 रुपये और 20 रुपये के जो नोट हैं उनका रेशियो दे दिया, अनुपात दे दिया, उनका प्रोपोर्शन दे दिया 3:5। गॉट इट। इफ 10 रुपये का नहीं पता अभी हमें कुछ भी, इफ शी हैज ए टोटल 25 नोट्स, यानी 50 रुपीज के, 20 रुपीज के और 10 रुपीज के, तीनों टाइप के मिलाकर 25 नोट है उसके पास, क्लियर। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज, हर टाइप के उसके पास कितने नोट हैं। हमारा काम है 50 रुपये के कितने नोट हैं, 20 के कितने हैं और 10 के कितने। हम मान सकते थे, मान लिया 50 रुपये के एक्स नोट हैं, लेकिन हमें कहा गया कि 50 और 20 रुपीज के नोट्स का रेशियो 3:5 है। तो पहले तो ये देखना है कि रेशियो ऑफ रुपीज 50 नोट्स एंड रुपीज 20 नोट्स कितना हो गया 3:5, यानी कि अगर 3 नोट 50 रुपये के हैं तो 5 नोट 20 रुपये के हैं। अब भी लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि वेन एवर ए क्वेश्चन और रेशियो इज गिवन इन ए क्वेश्चन देन यू शुड अप्लाई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो इन दोनों को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 50 रुपीज के नोट 3 नहीं है, 3x है, 20 रुपीज के नोट 5 नहीं है, 5x है। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हो जाएंगे 3x, नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स कितने हो जाएंगे 5x, ठीक है भाई। 50 रुपीज के नोट्स 3 की रेशियो में थे तो 3x ले लिया, 20 रुपीज के नोट्स 5 की रेशियो में थे 5x ले लिया। अब 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं ये हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि टोटल नोट्स कितने हैं। तो टोटल नोट्स उसने, मैंने देखो हाईलाइट कर रखा हर चीज़ को, टोटल नोट्स कितने हैं, इन दोनों का रेशियो कितना है और टोटल अमाउंट कितनी है, सिंपल। तो टोटल नोट्स हैं 25। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये हमारे पास अलग से
रफ में अलग से बता रही हूँ मैं, दिस इज टोटली रफ वर्क। किसी के पास 25 नोट हैं, ठीक है, तीन टाइप के नोट हैं, 50 के नोट हैं, 20 के नोट हैं और 10 के नोट हैं, और तीनों मिलाकर कितने हैं, 25 नोट हैं। अब अगर ये पांच हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पांच हैं और ये आठ हैं, तो ये कितने बचेंगे, हिसाब लगाओ, कैलकुलेट करो जल्दी से। ये 50 रुपए के पांच नोट है, 20 रुपीज के एट नोट है, टोटल 25 नोट है, तो 10 रुपए के कितने बचे, 8 और 5 13, 25 में से 13 माइनस कर दो, ये 12 बच जाएंगे। लॉजिक समझ आ रहा है? अगर एक टाइप के फाइव नोट्स हैं, सेकंड टाइप के एट नोट्स हैं, तो थर्ड टाइप के कितने नोट्स बचे, उन दोनों का सम करके 25 में से माइनस कर दो, तो 10 रुपीज़ के नोट्स हमें पता लग जाएगा कि कितने हैं। वही काम अब हम यहाँ करने जा रहे हैं, दोनों टाइप के नोट्स का सम हम यहाँ करेंगे और उसको 25 में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स कितने हो जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना है। कुल 25 करेंसी नोट थे, कुल 25 नोट है आपकी जेब में, उन 25 में से आपके 3x 50 रुपए के नोट हैं, 5x 20 के नोट हैं, दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करो, तो 25 माइनस 3 और 5 कितना हो गया, 8x। ये इतने नोट आपके पास हैं 10 रुपए के, गॉट इट? अब यहाँ थोड़ा दिक्कत क्या है बेटा, कि ये एक्स है, अगर एक्स ना होता, ठीक है ना, अभी जैसे मैंने ये न्यूमेरिकल लिया, भाई 50 रुपए के 11 नोट है मान लो, 20 रुपए के 5 नोट है मान लो, तो 10 रुपए के कितने बच गए, 11 प्लस 5 16, 25 में से 16 माइनस कर दो, तो 9 नोट आ जाएंगे 10 रुपए के। तो ऐसे तो कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, लेकिन जब हम वेरिएबल में आ जाते हैं तो हमें टॉपिक का लॉजिक समझना पड़ता है। तो 25 में से इन दोनों की अमाउंट माइनस, इन दोनों नोट्स की जो नंबर है वो माइनस कर दो, तो हमारे पास 10 रुपये के नोट आ गए, ठीक है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि 50 रुपीज़ के इतने नोट्स हैं, 20 रुपीज़ के इतने नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के इतने नोट्स हैं, गॉट इट? समझ आ रही है मेरी बात आपको? ये 50 और 20 के हैं और ये 10 रुपीज़ है। अब टोटल अमाउंट कितनी है? अब आप कभी बैंक में गए हो? बैंक में जब हम पैसा जमा कराने जाते हैं तो बैंक में बकायदा हमें लिखना पड़ता है कि कितने रुपए, मान लीजिए मैं बैंक में जमा कराने गई हूँ 500 रुपये, ध्यान से सुनना, 100 100 के जमा करा दिए मैंने दो नोट, तो कितने रुपए जमा करा दिए मैंने, 200। 50 50 के जमा करा दिए मैंने तीन नोट, तो कितने हो गए, 150। 10 10 के मैंने जमा करा दिए, 10 10 के मैंने जमा करा दिए मान लीजिए 10 नोट्स, तो कितने हो गए, 100। 200 प्लस 100, 350। और एक एक के मैंने जमा करा दिए 50 नोट, तो ये 50, ये मेरा नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स का नंबर है और ये उनसे बनने वाली टोटल मनी है, ठीक है। तो मेरी टोटल मनी कितनी हो गई, 5 5 10, 1 2 1 3 प्लस 4 प्लस 1 5, ठीक है, बात समझ आई? 500 रुपीज़ मैं बैंक में जमा कराने गई। अगर कभी आप गए हैं, नहीं गए हैं तो आप जाना, आप वहाँ देखना, आपको पूछा जाता है कि कितने रुपीज़ के कितने नोट्स आप जमा करा रहे हो यहाँ पर, तो 100 रुपीज़ के 2 नोट्स थे, नोट का नाम है 100, नंबर कितने हैं, 2, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो गया, नोट का नाम है 50, नंबर कितने हैं उनके 3, तो 50 रुपीज़ के 3 नोट हुए, तो 150 अमाउंट बन गई। 10 रुपये के 10 ही नोट हैं, 100 रुपये बन गए, एक नोट 1 रुपये के, 1 रुपये का जो नोट है वो 50 है गिनती में, तो 50 बन गए, टोटल अमाउंट 500। अब ऐसी ही कहानी कुछ हमारे पास है, हमारे जो नोट्स हैं और उनके कितने नंबर हैं, हमारे पास 50 रुपये के 3x नोट हैं, हमारे पास 20 रुपये के 5x नोट हैं और 10 रुपीज़ के 20 माइनस 8x नोट हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। तो वो जो टोटल मनी बनेगी वो इनको मल्टीप्लाई करके आएगी, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 53 जा 150x, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी 100x, और 10 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 को 25 से करूँगी तो 25 माइनस 80x, इन सब का जो सम होगा वो हमारी टोटल अमाउंट 590 के इक्वल होगा। फ्रॉम दिस कंडीशन वी विल गेट एन इक्वेशन, और उस इक्वेशन से फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ आ रही है ये बात? नहीं आ रही है तो अपने घर में से मम्मी से नोट मांगना, उन्हें लेना, और भाई ये 50 रुपये का नोट है, इतने नोट मैंने लिए तो इतनी मेरी मनी बन गई,
गॉट इट। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि टोटल मनी, तो हम यहाँ ले लेते हैं मनी फ्रॉम, बिल्कुल मैं एक एक स्टेप कराने की कोशिश कर रही हूँ, मनी फ्रॉम 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपये के 3x नोट हैं, तो जितने नोट हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 150x रुपीज़ बन गए। मनी फ्रॉम, यहाँ मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रही हूँ, रुपीज़ 20 नोट्स, तो 20 को मल्टीप्लाई कर दो 5x से, तो ये बन गए 100x रुपीज़। मनी फ्रॉम रुपीज़ 10 नोट्स, तो 10 रुपये के इतने नोट हैं, तो 10 को इस पूरी एक्सप्रेशन से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 को 25 से करोगे तो 250 -80x रुपीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मनी, ठीक है, वो जो टोटल मनी है वो 590 रुपीज़ है, लेकिन टोटल मनी इन तीनों को ऐड करके आएगी, तो इन तीनों को ऐड करके हम 590 के इक्वल कर देते हैं, तो ये बनेगा 150x प्लस 100x प्लस ये दोनों, 250 -80x इज 590। अब आप बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व कर चुके हो, तो हमें पता है कि वेरिएबल्स आर एडेड इन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉन्स्टेंट, तो ये तीन वेरिएबल्स हैं, तीनों के साथ x है, तो 150 प्लस 100 250, 250 -80, ध्यान देना है -80, तो 250 में से आप 80 माइनस कर लेना, 170x आएगा, और ये अकेला रह जाएगा प्लस 250 इज इक्वल टू 590, 250 को राइट में ले जाओ, 170x इज इक्वल टू 590 माइनस 250, प्लस था माइनस हो गया, 590 में से 250 माइनस करो 0, 9 में से 5 माइनस करो 4, 5 में से 2 माइनस करो 3, 170x 340 के इक्वल आया, 170 को राइट में ले जाओ, 340 डिवाइडेड बाय 170, 0 से 0 17, 2 जा 34, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x क्या है, x इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच आई यूज्ड हियर, जिसकी हेल्प से अब हम नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट निकालेंगे, नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट निकालेंगे, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट निकालेंगे, तो नंबर यही हमसे पूछा गया था, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हो जाएंगे, 3x, 3x का मतलब 3 × x, 3 × x का मतलब 3 × 2, यानी 6 नोट्स, यानी 50 50 रुपए के 6 नोट हैं। नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स, 20 रुपए के कितने नोट हैं, 5x, यानी 5 × 20, यानी 100 नोट्स, नहीं 5 × 20 नहीं, 5 × 2, x की वैल्यू 2 है ना, तो 10 नोट्स हैं। एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये कितने हो गए 16, तो 25 में से माइनस कर दो, 25 -6 + 10 बाई 25 - 16, तो 9 नोट हमारे पास ये आ जाते हैं, और ये हमारा आंसर आ जाता है। आप अभी इस आंसर को मैं आपके आगे क्रॉस वेरीफाई करके दिखाती हूँ कि ये देखिए 50 रुपये के 6 नोट हैं तो कितना अमाउंट हो गया 300, 20 रुपये के 10 नोट हैं तो कितना अमाउंट हो गया 200, 10 रुपीज़ के 9 नोट्स हैं तो कितना अमाउंट हो गया 90, जरा ऐड करो, बन गए ना 590, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो 50 रुपीज़ के 10 नोट्स, 50 रुपीज़ के 6 नोट, 20 रुपीज़ के 10 नोट एंड 10 रुपीज़ के 9 नोट्स, तो ये हमारा आंसर है। ये थोड़ा लेंथी, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े बहुत अपनी पॉकेट मनी आपके पास हो उसे इकट्ठा करके आप अरेंज कर सकते हो, और इसको हिसाब भी लगा सकते हो, सिर्फ इतना हिसाब लगाना है कि कितने रुपए के कितने नोट हों, ठीक है ना। मैं एक सिंपल सी बात है कि मान लीजिए मेरे पास 20 रुपए के 6 नोट हैं तो मेरे 120 रुपीज़ बन गए, तो ये आपने ध्यान रखना। जल्दी से मैं फटाफट रिपीट कर देती हूँ, हमने मान लिया 50 और 20 रुपीज़ के नोट्स की जो रेशियो है वो 3:5 है, तो 50 रुपीज़ के 3x नोट्स है, 20 रुपीज़ के 5x, टोटल 25 नोट थे, तो इन दोनों के सम को 25 में से माइनस किया तो 25 - 8x आ गया 10 रुपीज़ का नोट, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप्स के नोट है, 50 के 20 के 10 के। अब 50 रुपए के जितने नोट हैं उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो मनी मिल जाएगी 150x हो गई। अब 20 रुपीज के 5x नोट है तो इतनी अमाउंट है, अमाउंट बोल लो, मनी बोल लो, सम बोल लो, एक ही बात है। 10 रुपीज के इतने नोट्स है तो इतनी मनी हो गई। इस पूरी अमाउंट का सम
590 है क्योंकि उसकी पॉकेट में 590 रुपीज़ है, तो इनको ऐड करके 590 के इक्वल किया, एलजेब्रा लगाया, सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करने हैं। तो 50 रुपीज़ के 3x नोट्स हैं, तो 3 × 2 20 के, 5 × 2 10 के, अपना कितने नोट्स आ गए, 9 नोट्स आ जाते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो बेटा जी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, कमेंट बॉक्स में मुझे आप राइट करें, और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, प्लीज़ शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।